पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ है। फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर और डांस करके भारतीय खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया। पीआर श्रीजेश और अमित रोहिदास की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब थे। तो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हॉकी टीम भारत आ चुकी है और दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरह उनका स्वागत हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उस दौरान उनका वेलकम करने के लिए भारी संख्या में फैंस, स्पोर्ट्स फेडरेशन से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। उनको फूलों की मालाएं पहनाई गईं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। मथुरा के संत गुरु शरणानंद महाराज के संदिग्ध हालत में गायब होने की ब्रज में चर्चा है। 3 दिन से शरणानंद महाराज का कुछ भी पता नहीं चल रहा, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मथुरा में डीएम को ज्ञापन दिया है और शरणानंद महाराज की तलाश कराने की मांग की है। वहीं कुछ संत उनके चेन्नई में होने की बात कह रहे हैं। शरणानंद जी महाराज के लापता होने की खबर सुन के यहाँ आए हैं और हम परसों वहाँ गए थे रमन रेती, उनके शिष्यों से पूछा, उनको भी आज के मतलब उनके होने की कहाँ हैं वो उसकी कोई पता नहीं है, तो उसकी जांच के लिए आज हमने जिला अधिकारी महोदय से बोला है कि वो जल्द से जल्द अपनी कार्यवाही शुरू करें जिससे पता लग सके कि परम पूज्य गुरुजी कहाँ हैं। सर वैसे हर हफ्ते वहाँ जाते हैं, तो इस हफ्ते वहाँ गए तो हमें पता चला कि वो पिछले 4 से 5 दिन से वहाँ नहीं है और उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गुरुजी कहाँ हैं। अंबेडकर नगर में 8 डिजिटल लाइब्रेरी पर कार्रवाई की गई है। बिना मानक संचालित हो रही लाइब्रेरी को सील किया गया है। जिला मुख्यालय पर 8 लाइब्रेरी बिना रजिस्ट्रेशन बेसमेंट में चल रही थी। डीआईओएस के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है। जिले में बड़ी संख्या में लाइब्रेरी मानक के विपरीत चल रही है, आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आगरा के डबराई गांव में फसलें बर्बाद हो गईं, नाले का पानी खेतों में आ गया। किसानों ने पुलिया का काम समय पर पूरा न होने का आरोप लगाया। किसानों का यह कहना है कि करीब 10 बीघा फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से समस्या के समाधान और मुआवजे की मांग की है। मऊ में मधुबन थाना पर तैनात एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। सिपाही पर महिला से गाली गलौज करने और रिश्वत में कूलर मांगने का आरोप है। महिला ने एसपी से शिकायत की है। पूरे मामले की जांच सीओ मधुबन को दी गई। जांच पड़ताल के बाद सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। इटावा में हाईवे पर नारियल लूटते हुए लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नारियल की गाड़ी पलटने के बाद नारियल लूटने वालों की वहां होड़ मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। इटावा मानिकपुर मोड़ क्षेत्र के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। जिसको जितने नारियल हाथ लगे वो वैसे ही लेकर चला गया। जब एक गाड़ी के ड्राइवर में कुछ नारियल अपनी गाड़ी में रखे, हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसी वक्त ये तस्वीरें कैप्चर हो गई जो हम आपको दिखा रहे हैं। नारियल से लदी हुई एक गाड़ी पलट गई, उसको लूटने के लिए आसपास से लोग दौड़ पड़े। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बैग्स अपने हाथ में लेके, जिससे जो बन पड़ रहा है उतने नारियल उसमें भरता नजर आ रहा है। एक शख्स भी इस तस्वीर में कैद हुआ है जो कि पहले अपने थैले को नारियल से भरता है, फिर अपनी गाड़ी में लोड करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है।